कामिकी जी, आज हम अपने GS150 में फॉग लाइट इंस्टॉल करवाएंगे। ये मिनी ड्राइविंग फॉग लाइट्स हैं और जो कि बड़ी सस्ती भी मिल गई हैं और बड़ी ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। इंशाल्लाह ये इंस्टॉल करते हैं और फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलें इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। और हम इसके ना दो पॉइंट है ना ये वाले, अब ये एक येलो का एक वाइट का, नहीं उस में डबल है, डबल वाला स्विच साथ ही है इसका। ये ऑन हाई लो, सॉरी लो हाई, जो येलो है वो लो है, दूसरी वो हाई। जी तो भाइयों, ये जो है ना, ये है मिनी ड्राइविंग एलईडी लाइट और इसको इंस्टॉल करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, वो एंड पे आप देखिएगा। अभी साथ चेक कर लो, बाद में करना, आगे से करना, ठीक है। पत्रियाँ हमें ये मिल नहीं रही थी जिसके ऊपर हमने फॉग लाइट्स को लगाना है ना। मैं सोच रहा हूँ कि फॉग लाइट्स की जो बेस्ट प्लेसमेंट बन रही है ना मेरी तरफ को, जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि वो जो बाइक के शॉक्स है ना, जहाँ पे नंबर प्लेट लगी हुई है, इसके लेफ्ट और राइट पे आपको पता होगा कि रिफ्लेक्टर्स आते हैं, वो किसी ने मेरे उतार लिए थे वैसे ही, तो वो जगह वैसे भी खाली है। वहाँ पे जो नट लगते हैं मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे लगवाऊँ। तो बाकी इसके अलावा देखते हैं इसकी कोई और जगह बनती है या नहीं बनती। मेरा ये है कि यहाँ पर शॉक जहाँ पे पुलिस लाइट लगी है, इमरजेंसी लाइट लगी हुई है नंबर प्लेट के ऊपर, इसके बिल्कुल साथ देखें जहाँ पर रिफ्लेक्टर लगता है, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो अभी तक तो यही डिसाइड किया है। पत्रियाँ मिल गई हैं, पत्रियों को भी जैसे अभी आपको बताया था कि ये मिल नहीं रही थी, अब ये मिल गई हैं। अब इसको हम बीच में से बैंड कर लेंगे बराबर बराबर, ताकि हमारी जो फॉग लाइट है ना वो सीधी लगे। अच्छा, इसमें रात को मैंने जब ये इसका बॉक्स ओपन किया था ना, ठीक है, ये तो इसकी रेड था पॉजिटिव, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गई, ठीक है, ठीक है, जो वाइट के साथ जल रही है। एक है येलो पॉइंट, येलो पॉइंट मुझसे नहीं चल ऑन हो रहा था, ठीक है, उसकी क्या वजह होगी? एक तो मेरे पास जो एसी टू डीसी वाला है ना कन्वर्टर, उस पर भी ऑन नहीं हो रही थी मुझसे, और फिर मेरे पास एक बैटरी पर लगा के देखा मैंने, उस पर भी नहीं हो रहा था। इसके बटन के अंदर डबल पुश ऑप्शन होती है, ठीक है, डबल पुश करेंगे तो वाइट हो जाएगी, दोबारा पुश करेंगे तो येलो हो जाएगी, येलो हो जाएगी, जिस तरह हाई और लो होता है। यस, बेस्ट इसकी फिटिंग जो है वो यहीं पे बनती है मेरे ख्याल में। तो बेस्ट अगर हैंडल पे लगाते हैं, वैसे हमने काफ़ी देखा है वाईपीआर वालों ने काफ़ी ऊपर लगाई हुई है, मेरा भी वैसे यही था कि ऊपर लगा लेता हूँ। एक तो वो मुझे थोड़ी सी बुरी लगेगी क्योंकि ऑलरेडी सेफ गार्ड जो है ना, इसकी भी पथरी यहाँ पे है और एक और पथरी हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी जिसके ऊपर यहाँ पे लाइट आएगी, तो वो थोड़ा सा बुरा लगेगा कि यहाँ पे थोड़ी मुनासिब भी लग रही है, इतनी ज़्यादा विजिबल भी नहीं हो रही, एक्स्ट्रा लाइट लगी हुई नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको फिट करना ही बेहतर है, क्यों करम भाई? ठीक है, चलें हम इसको जल्दी से ऑन करें। इसमें भी पावर सेल रखते हैं, क्यों खुरम? इसमें भी पावर सेल होगी यार। ये खुरम भाई जो है ना, हमारी गाड़ियों के मैकेनिक हैं और माशाल्लाह से बहुत काबिल हैं। EFI गाड़ी कोई भी है, आप वो इनसे करवा सकते हैं। पथरी मेरे ख्याल में थोड़ी सी और बैंड होगी ऊपर की तरफ, हाँ, बहुत रिलायबल है। बैरिया टाउन मतलब 136 जो स्टॉप वाला रोड है उस पे इनकी शॉप है और नंबर भी इनका मैंशन करते, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता आपको कभी किसी ड्राइव में बाइक तो नहीं है, सही करते हैं, लाइट भी हल्की लगी, काम किया है, भारी होते फिर बोलती है ना चलने से। 10-11 साल से जो है ये हमारे गाड़ियों को देखते हैं, तो मैं इस तरह की कुछ इंस्टॉलेशन करनी होती है तो मैं इनसे करवा लेता हूँ। तो आपको कोई आपके पास बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत माशाल्लाह बड़े काबिल इंसान। वीडियो में बॉस इस साइड पे गैप ज़्यादा है लाइट में और नट में ना, ये वाला गैप ज़्यादा है, हाँ ये वाला, उस साइड पे बहुत कम है, इसको वापस नहीं, फिर उधर से पथरी नज़र आएगी, साइड से पथरी नज़र आएगी।
मेरे ख्याल में इसको एक और बैंड लगा दें नीचे की तरफ, इसको पथरी को इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे से बैंड करना चाहिए था। नहीं नहीं ठीक है, फिर आप एक काम कर लो, इसको माइनर सा और बैंड कर लो ऊपर जैसे भी कर रहे हो, इस वाली को थोड़ा सा बाहर कर लो लाइट पथरी को। नहीं हाँ सही है, सही है, छोड़ो बस ठीक। ज़बरदस्त काम हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ये भी इतना बाहर है, ये भी इतना बाहर है, देखो बेहतरीन हो गया, ठीक है बराबर है। वायरिंग करेंगे ऊपर, अब वायरिंग करेंगे। इसकी मेन पावर सप्लाई है, यस, इसको तो यहाँ से फिर प्रॉपर टेप भी करना पड़ेगा। इन लाइटों का फ्यूज़ लगाने की ज़रूरत है, इंस्टॉल हो गई है, ऑन भी कर लिया है, बेहतरीन रिजल्ट है। मैं आपको ज़रा ये चेक करवाता हूँ, चेक करें अभी हेडलाइट की, अभी लाइट देखते हैं, जो अभी फॉग लाइट इंस्टॉल की है उसकी लाइट अब चेक करें ज़रा। ये इसका हाई पॉइंट है और लो पे मैंने फोक को रखा हुआ है, ये लो, ये इसका रिज़ल्ट है जो कि बड़ा ही बेहतरीन है।